दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनने का आदेश जारी किया है। उन्होंने जींस टी शर्ट पहनकर कार्यालय में आने पर रोक लगाई है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई है। अब दमोह जिले के सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी पैंट शर्ट पहने नजर आएंगे और शर्ट पैंट भी भड़कीले रंगों वाले नहीं होंगे। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले भर के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ पाएंगे और जो आएगा उसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा, जिस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। कलेक्टर कोचर के मुताबिक सरकारी ऑफिस सरकार के ऑफिस हैं और यहाँ काम करने वाले लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, लिहाजा उनका रहन सहन वस्त्र भी सादगीपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के नियमों में भी इसका उल्लेख है। शालीनता के साथ शालीन कपड़े आम लोगों को प्रशासन की छवि को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस आदेश के बाद जिले के हजारों सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं जो लोग कपड़ों के शौकीन हैं, खास तौर पर टिप टॉप रहते हैं, जिन्हें जींस टी शर्ट पसंद है, उनके लिए जरूर मुसीबत बढ़ गई है। मतलब एक शुरुआत के तौर पर मैंने उसको किया है कि कार्यालयों में जो सरकारी कार्यालय हैं, हमने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वो जीन्स और टी शर्ट पहन के ना आए। जो सरकार चाहती है हमेशा से कि जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार की छवि उनसे बनती है, इसीलिए हमारा व्यवहार और हमारे वस्त्र दोनों शालीन होना चाहिए। तो इनफॉर्मल ड्रेसिंग में ऑफिस आना ये उचित प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए हमने सबसे अभी अपील की है कि कार्यालयीन कार्य दिवस में, यानी कि जिस दिन वर्किंग डे होता है उस दिन, और वर्किंग टाइम में, वर्किंग डे में और वर्किंग टाइम में, वर्किंग प्लेस पर हम हमेशा जो हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं वही पहन करके आएंगे, जीन्स और टी शर्ट पहन करके नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।